Assalamualaikum. Hola, शुरू बात आ रही है. Hola, students. तुम लोगों ने सेक्शन बनाया था ना मैंने. दिसंबर रेगुलर. अच्छा मैं तो सितंबर समझ रहा था यार. सर लास्ट क्लास आप लोगों को मसला आया था, समझ में नहीं आया था. समझ लो लास्ट क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ा था. क्या समझ लो लास्ट क्लास में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा था. सर एक जो बिजनेस आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट है ना वो एग्जिस्ट करेगा किस टाइम तक, जब तक बिजनेस एग्जिस्टेंस में. किसमें बिजनेस क्यों फॉर्म किया गया, किसके लिए फॉर्म किया गया? ओनर्स के लिए. किसके लिए? ओनर्स कोई सोल प्रोप्राइटर होगा या पार्टनर्स होंगे या शेयर होल्डर्स होंगे. सर हमारा भी फोकस किस पे? सोल ट्रेडर्स पे. किस पे? सोल ट्रेडर. आपके कोर्स में कौन सा ट्रेडिंग बिजनेस है? वो भी सोल प्रोप्राइटर का. कौन सा? सोल प्रोप्राइटर का. अब सर आपकी पूरी अकाउंटिंग अगर मैं निचोड़ करूं ना, पूरा जो हिसाब किताब करते, पूरा जो, जैसे सर हमने आपका डे वन पे हिसाब किताब किया था, वो क्या था? आपकी पॉकेट मनी का था. वो क्या था? आपकी पॉकेट मनी का था. सर उसका निचोड़ क्या था? अब्बा को एक चीज बताना कि अब्बा मेरे महीने के खर्चे कितने होते हैं. आप जो पॉकेट मनी देते हो उससे मेरे एक्सपेंसेस कितने होते हैं और मैं कितना डेफिसिट या सरप्लस में चलता हूं. मगर सर जब बात करते हैं बिजनेस की, बिजनेस का निचोड़ क्या है? बिजनेस आपके हिसाब किताब का जो ऑब्जेक्टिव है वो बताता है कि भाई पूरे साल पूरे या पूरे पीरियड में कंपनी के पास असासा कितना है. क्या है? इतने कितने रिसोर्सेज हैं जो बिजनेस क्या करता है? कंट्रोल करता है. क्या करता है? बिजनेस कंट्रोल करता है. और सर जो बिजनेस कंट्रोल करता है तो सर बिजनेस खुद से तो नहीं लाया होगा ना अभी. क्या बिजनेस अभी खुद से लाया होगा? सर स्टार्टिंग में तो इसको किसी ना किसी ने फाइनेंस किया होगा ना, या तो उधार पे चल रहा होगा या ओनर्स ने इन्वेस्टमेंट की होगी. या किसने क्या होगा? उधार पे चल रहा होगा या किसने इन्वेस्टमेंट की होगी? ओनर ने. फिर से जब कंपनी ट्रेडिंग करना शुरू कर देगी, क्या शुरू कर देगी? ट्रेडिंग करना शुरू कर देगी. तो सर ट्रेडिंग करेगी तब बिजनेस कमाना शुरू करेगी ना, तब शायद बिजनेस अपने पैसों से खरीद ले चीजों को. मगर सर बिजनेस अगर अपने पैसों से चीजों को खरीद भी लेगी तो होता किसका है? ओनर्स का ना. बिजनेस बताता है भाई ठीक है मेरे कंट्रोल में, क्या है मतलब बिलोंग आपको करता है. बिलोंग किसको करता है? क्योंकि बिजनेस एक इंसान तो नहीं है ना. कल को जब बिजनेस बंद होगा, तो किसी ना किसी को तो दिया जाएगा ना. हाँ ये किसी ना किसी को तो दिया जाएगा ना. ये भाई बेसिकली मिसाल के तौर पे 100 रुपए का असासा है. कितने का असासा है? 100 रुपए के एसेट्स है. मार्केट के हैं आपके पास, 60 रुपए. कितने बाकी 40 रुपए किसके होंगे? जो ओनर्स होंगे वो लेकर चले जाएंगे. अगर सोल प्रोपराइटर होगा वो लेकर चला जाएगा. पार्टनर्स होंगे तो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. क्या कैसे? जो इन्वेस्टमेंट की होगी उसके हिसाब से 30-30, 70-50-50 जो भी उसके हिसाब से घर लेके चले जाएंगे. और जो शेयर होल्डर्स होंगे कौन होंगे? जितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उस पे पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा और सबको दे दिया जाएगा. ऐसा ही होगा. तो सर अकाउंटिंग का अगर मैं निचोड़ कहूँ, अकाउंटिंग का क्रक्स कहूँ, तो वो क्या होता है सर? असासे बराबर होते हैं. असासे बराबर होते हैं. या मैं कहूँ आपसे असासे या तो मार्केट से लाए होगे या एक्विटी या कैपिटल. कैसे समझ आता है? बिजनेस जो भी असासे अपने पास रखता है, जो भी असासे बिजनेस के कंट्रोल में है, या तो वो मार्केट से लाए हुए हैं या ओनर्स के हैं. किसके? बिजनेस जब ट्रेडिंग करके पैसा कमाना शुरू करेगा वो भी किसका होता है? ओनर्स का होता है. किसका होता है? ओनर्स का. मगर पहले लायबिलिटी को पे ऑफ करने के बाद, तो सर आपका ये डिजाइन इतना खूबसूरती से बनाया गया है कि हर ट्रांजेक्शन क्या, हर ट्रांजेक्शन इसके बराबर होगी. इक्वेशन की, इस इक्वेशन की क्या होगी? बराबर होगी. समझ लो कि तुम्हारी जो प्रेजेंटेशन होती है ना एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, वो यही होती है कि एसेट्स बराबर होंगे किसके? लायबिलिटीज प्लस एक्विटी या कैपिटल के. क्या ये बात समझ आती है? अब मिसाल के तौर पर सर जब डे वन पे बिजनेस स्टार्ट होता है, आपको कैश की नीड होती है. अब सर ये जो कैश है, मिसाल के तौर पर मैं कैश लाया, मैं कैश 500 कितने का सर, इसको लाने की सिर्फ दो ही जगह है. कहाँ की है? सिर्फ दो जगह है. कौन सी?
या तो आप मार्केट से ले आओगे उधार, लेट्स सपोज आप बैंक से लोन लाते हो, क्या लाते हो? अब सर आपको वैसे पैसा तो बैंक का है या मगर कंट्रोल तो तुम्हारे है ना, कंट्रोल किसके? तुम्हारे। अब क्या अगर तुम इस पैसों से कुछ खरीदना चाहोगे बैंक से परमिशन लेनी पड़ेगी, बैंक क्या मैं इस पैसों को यूटिलाइज कर लूं? नहीं, आपने बैंक से लोन ले लिया, अब ये लोन एक अलग कहानी हो गई क्योंकि वो ऑब्लिगेशन टू पे है। क्या है? आपने बैंक को वापस करना, शायद आपने बैंक से कहा भाई मैं 5 किस्तों में वापस करूंगा 100-100 रुपए करके, एक एक साल में आपको 100-100 रुपए दूंगा प्लस आपको 10% का सूद दूंगा, वो एक अलग अरेंजमेंट है। मगर ये पैसा भी किसके कंट्रोल में है? बिजनेस के। किसके कंट्रोल में? बिजनेस के। तो बिजनेस के कंट्रोल में तो बिजनेस जिस तरह चाहे इसको इस्तेमाल कर सकती है, इसको इस्तेमाल कर सकती है। ऑनलाइन वाला आवाज आ रही है? ऑनलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या आप मुझे सुन सकते हैं? यस सर। यार उमर तो फास्ट ट्रैक में भी होता है, यहाँ पे भी होता है, पेट वाला ले आता है, इससे अच्छा यूज करता है। आहो अबे ओ अकल के। हाँ सेट है जी बेटा। हाँ अरे भाई यार तू फिर अभी से सीए छोड़ दे, तेरे को पहले ही बता रहा हूँ। तू घर से जो रोड यूज करता है वो भी सूद के ऊपर बैठा हुआ, पता है आईएमएफ को जो सूद दे रहे हो तो ये पता है? जिस कंपनी का तू प्रोडक्ट यूज कर रहा है कोई भी ऐसी कंपनी बता दे जो विदाउट इंटरेस्ट चल रही है। चश्मे जो पहने उतार के तोड़ दे, कपड़े अभी नहीं घर जाके उतार के जला देना, फिर पत्ते में ला दूंगा तुझे, बनाना ट्री के प्लांट्स वो भी यूज करके घूमना भाई देख ना। तो तू यहाँ पे सूद थोड़ी दे रहा है, तू तो सिर्फ अकाउंटिंग कर रहा है, हिसाब किताब कर रहा है। सूद तहरीर करना मना, मुफी तक्की इस्मानी का जो वो है, सूद को तहरीर ना किया जाए, सही है? मिसाल भाई इसके अंदर सेक्ट का एक मसला है, ठीक है? तो मैं किसी कर्सर किसी को अटैक नहीं कर रहा, क्योंकि किसी कोई एक रिलीजियस सेक्ट ऐसा है जहाँ पे इंटरेस्ट इज फाइन और कोई ऐसा है जहाँ पे इंटरेस्ट ना काबिले बर्दाश्त है, ठीक है? सो आई एम नॉट, तहरीर करना मतलब एग्रीमेंट बनाना। मैंने एक्चुअल साइंसेस क्यों नहीं की? मेरा मूड बहुत था एक्चुअल साइंसेस करने का, जब मुझे पता चला कि वहां पे जाके आपको नऊजुबिल्ला लोगों की इंसान की जिंदगी प्रेडिक्ट करनी है कि ये कितने साल जिंदा रहेगा, इसकी बीवी कितने साल जिंदा रहेगी, कितने इंटरेस्ट रेट पे इसका हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इसको पेंशन हम देते रहे जब तक ये जिंदा रहेगा, रिटायर होगा उसको पेंशन देनी होगी, फिर इसकी बीवी को देनी होगी। सो आई सेड दैट आई डोंट वांट टू बी एन एक्चुअल साइंस। एक्चुअल साइंस वाला क्या करता है? स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है? 5 लाख उस जमाने में, अब तो मतलब 7-8 लाख होगी एक्चुअल साइंसेज वालों की। इनका काम क्या है? इंश्योरेंस कंपनीज। क्या काम है? इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर बेसिकली ये लोग होते हैं, ये क्या करते हैं? प्रेडिक्ट द लाइफ, जो सिर्फ और सिर्फ रब्बुल इज्जत को पता है, अल्लाह को पता है कि किसकी क्या होगी किसकी क्या नहीं होगी, वो उसके ऊपर बेस करके फिर चीजों को वर्कआउट करते हैं, ठीक है? सो इंटरेस्ट इज ठीक है, मगर यहाँ पर तुम एक पढ़ाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है? ना मैं स्लैमर पढ़ा रहा हूँ, ना ही मैं उसके ऊपर वो कहूंगा कुछ, ठीक हो गया? हाँ सर, कैश आया। अब सर मैं कहाँ से ला सकते हैं? या तो सर आप बैंक से लोन ले लो, या किसी चाचा पुप्पा वगैरह से ले लो, या ओनर घर से लेके आ जाए, या दोनों मिलके ला सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है ना। कुछ पैसा आपको लोन पे मिल जाए और कुछ पैसा ओनर अपने घर से लेकर आ जाए। अभी क्या करते हो सर? अभी सर अलग रखते हैं, क्या रखते हैं? ओनर ले आया भाई, तू भी कुछ ले आ प्लस 500। अभी मैं इसके बाद कुछ लिख नहीं रहा, बताऊंगा क्यों नहीं लिख रहा, बताऊंगा मैं इसको कुछ क्यों नहीं लिख रहा, इसको हम बाद में देखेंगे। वहां पर लिखूंगा, लायबिलिटीज में भी चीजें लिखूंगा, मगर कैपिटल को मैं क्या करूंगा? कुछ भी नहीं लिखूंगा फिलहाल, खाली अमाउंट्स लिखूंगा, बाद में बताता हूँ उसकी लॉजिक क्या। सर फिर हमने कहा कि यार 5 लाख रुपए या 500 रुपए कम है, कुछ बैंक से लोन भी ले लिया जाए। अब एक बात याद रखना, बैंक कभी भी आपको कैश की सूरत में लोन नहीं देगा, मतलब जो बैंक के अंदर जो पैसा वो होगा उसके ऊपर काजल ने टोपी नहीं पहनी होगी, बिल्कुल होगी, सीरियल नंबर भी पूरे होंगे, ओरिजिनल नोट्स होंगे। मगर सर बैंक ओवर द काउंटर नहीं देता। ओवर द काउंटर का क्या मतलब होता है? ओटीसी,
ओटीसी कहते हैं ओवर द काउंटर, बैंक कभी भी ओवर द काउंटर आपको लोन नहीं देता। रीजन बीइंग अभी तो बता दिया, बैंक ओवर द काउंटर तो बैंक के कैश के उस पे जाता है, तो नस्को का पैसे दे दो, उसे देखो पैसे निकाल के दे दी, ये होता है ओवर द काउंटर। दुकान पे जाता है, दुकान के पैसे, वो ये होगा ओवर द काउंटर ओटीसी, क्या होता है ये ओटीसी। रीजन बीइंग सर बैंक को ऑडिट ट्रेल रखनी होती है। हाँ, कल को अगर तुमने पैसे डिफॉल्ट कर दिए तो बैंक कहेगा, आपने कह दिया भाई बैंक हमने तो आपसे लोन नहीं लिया, वो कहेगा मेरे पास सीसीटीवी है, बोला दिखा दे, सीसीटीवी में दिखेगा कि हम कैश ले रहे हैं, हम कहेंगे हम तो कोई चेक क्लियर करवाने आए थे, या हमने अपना पैसा हमारे बैंक के अंदर था वो निकलवाने आए थे, तूने हमें लोन कहां से दिया, लोन की तो कोई बात नहीं है। तो क्या करता है वो, कभी भी ओवर द काउंटर तुम्हें लोन नहीं देगा। जब भी बैंक से तुम लोन एक्वायर करोगे वो क्या करेगा, तुम्हारे बिजनेस के नाम पे एक अकाउंट खोलेगा, उस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगा, और उस अकाउंट की चेकबुक एंड जो एटीएम कार्ड होता है वो आपको हैंडओवर कर देगा। कभी भी कैश की सूरत में ओवर द काउंटर आपको लोन नहीं मिलेगा। डन हो गया, ताकि कल को ऑडिट ट्रेल हो तो पता चले बैंक का, देखो सर हमने अपने अकाउंट से निकाल के इसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए लोन की सूरत में। किस सूरत में? लोन की सूरत में। डन हो गया। तो सर आपके पास बैंक से जब भी लोन लोगे किसमें आएगा? सर ये कैश और बैंक दो अलग अलग अकाउंट्स हैं, बिल्कुल अलग अकाउंट्स हैं। कैश वो कैश है जो आपके गले के अंदर पड़ा हुआ है, कहाँ बिजनेस के कहाँ पड़ा हुआ है, कैश टिन में पड़ा हुआ है, कहाँ पड़ा हुआ है बिजनेस के, कैश टिन में पड़ा हुआ है। और सर जो कैश एट बैंक है वो कौन सा कैश है, जो बैंक में पड़ा हुआ है। सर इन दोनों को अलग अलग करने की कोई लॉजिक है? बिल्कुल लॉजिक है, जब बुक्स ऑफ प्राइमेट भी पढ़ाएंगे तब बताएंगे। सेट हो गया सर? क्यों? बिजनेस ज्यादातर कैश अपने पास नहीं रखता, बिजनेस ज्यादातर कैश अपने पास नहीं रहता, क्यों सर? अलग ही अट्रैक्शन है यार पैसों में, अलग ही खुशबू है या नहीं है? ईमानदार को भी लालची बना देता, उसको भी बेईमानी करने पे आमादा कर देता। तो जितना ज्यादा कैश पड़ा होगा उतना ज्यादा रिस्क होगा। किस चीज का, किस चीज का रिस्क होगा? कोई चोरी ना कर ले। सब बड़ी मशीनरी पड़ी हुई है सर, ये हम लोगों ने एसी लगाए हुए हैं यहाँ पे, छोड़ के चले भी जाएं ये भी तो एक इन्वेस्टमेंट है ना, रिस्क है, कोई उठा के ले जाएगा, उखाड़ने के लिए आएगा, उसको निकालने में उसको टाइम लगेगा, और जब लेके जा रहा होगा कंधे पे डाल के तब भी दिखेगा, और दो तीन बंदे चाहिए होंगे, तो इतना इजीली नहीं है। क्या करना आपका, स्टील करना बैंक से इजी है? इतना इजी नहीं है। अब तो कंफर्मेशन कॉल्स आ जाती हैं। हाँ, अगर कंपनी का भी चेक 5 लाख से ऊपर का है तो क्या होती है, कंफर्मेशन कॉल आती है, सर आपका ये चेक आया क्लियर कर दें, आपका ये चेक आया क्लियर कर दें, तो सर वहां पर भी आपके पास आ जाता है कंट्रोल। मगर जो आपका बिजनेस के अंदर पड़ा हुआ है वो क्या है, बहुत ज्यादा रिस्की है। तो कंपनी ज्यादातर कैश अपने पास रखती नहीं है सर। ऊपर वाला कहलाता है कैश इन हैंड। क्या कहलाता है? जो आपके बिजनेस के अंदर मौजूद है, दुकान पे मौजूद है। और दूसरा क्या कहलाता है? कैश एट बैंक। जो बैंक के अंदर पड़ा वो भी आपका ही है, वो भी आ क्या है, आपका ही है, किसी और का नहीं है। मगर हम दोनों को रिकॉर्ड क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। दोनों को क्या करते हैं, रिकॉर्ड अलग अलग। वजह आएगी बैंक स्टेटमेंट जब पढ़ोगे मेरे साथ बैठ के, सही है? हम बैंक स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसको उस वक्त देख लेंगे। तो सर बैंक में लेट सपोज सर मैं बैंक लोन लिया, सर क्या बैंक मेरा असासा है जो पैसा आ रहा है? सर सबसे अच्छा असासा है, ऐसी रिसोर्स है जो मेरे कंट्रोल में, जब चाहूं उसको इस्तेमाल कर सकता हूं, जितना इकोनॉमिक बेनिफिट चाहूं इससे हासिल कर सकता हूं। लेट सपोज सर 200 का लिया, कितने का लिया, यहां लायबिलिटी क्या लिखूंगा, 200। सर मैंने तुमको लास्ट टाइम नाम बताया था इसके या नहीं? हमने शायद उसने शुरू ही किया था ना, ये तो शुरू ही किया था ना, बस ठीक है, समझो इसका कोई नाम नहीं, समझ लो यहाँ पे कोई नाम, हमने इसे 200 लिख दिया। क्या लिख दिया? 200 लिख दिया। खाली एसेट्स के नाम लिख रहा हूँ, किसके नाम लिख रहा हूँ, रिसोर्सेस के। अब सर हमारे पास, आपके पास आया कि आपने सर फर्नीचर खरीदा, क्या खरीदा, पहले शॉप खरीद लेते। अब सर शॉप आने के कितने तरीके हैं? तीन है सर। चाहो तो अपना जो तिजोरी में कैश पड़ा उससे शॉप आप परचेज कर लें, चाहो तो उधार पे ले लो, उधार पे मिलती शॉप, इंस्टॉलमेंट से मिल जाती है, 50% अदायगी पे आपको कब्जा मिल जाता है, बाकी 50% की इंस्टॉलमेंट्स अदा करनी होती है। अभी मार्केट में ये बहुत ज्यादा कॉमन है। और ओनर ला सकता है? बिल्कुल सर, ओनर की अपनी जद्दी पुश्ती की दुकान थी, उसने क्या करा, बिजनेस को हैंड ओवर कर दी, बिजनेस के कंट्रोल में, बिजनेस जैसे चाहे उसको इस्तेमाल करे। सर क्या जरूरी है ओनर टाइटल भी ट्रांसफर करे? हाँ, सब्सटेंस ओवर फॉर्म,
जरूरी नहीं है टाइटल ट्रांसफर करना, बिजनेस उसको यूज कर रहा है, बिजनेस को क्या करता रहेगा, यूज करता रहेगा। टाइटल सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या होगा कि बिजनेस की दुकान है, बंदे की दुकान नहीं है। डन हो गया, डन हो गया। तो सर लेट्स सपोज शॉप आई, सर ये शॉप है कोई 100 रुपए की, कहां से लाना चाह रहे हो? और अपना कैश भी यूज कर सकते हैं, जो तिजोरी में ओनर ने शुरू में 500 रुपए दिए हैं, ऐसा तो नहीं ना अंदर 500 के 600 हजार होंगे फिर बाहर निकालोगे तिजोरी से, ये पहले रख दो अंदर डबल हो जाए फिर बाहर निकालेंगे, ऐसा तो नहीं ना सर। तो बिजनेस अपना कैश भी यूज कर सकता है। आपने लेट सपोज कैश यूज किया कितने का, पूरा यूज कर दिया, कैश आपके पास चला गया, क्या अकाउंटिंग इक्वेशन अभी बैलेंस है? हर ट्रांजेक्शन में बैलेंस है, जीरो इक्वल्स टू जीरो, जीरो इक्वल्स टू जीरो, यही है। यस सर। फिर सर आपने क्या किया, सर लेट सपोज अभी हम बिजनेस बंद कर देते, क्या कर देते अभी के अभी हम बिजनेस को बंद करते हैं, कहते हैं बिजनेस समझ नहीं आ रहा, मूड नहीं हो रहा, खत्म करते, कोई और चीज करेंगे। बिजनेस के पास असासा कितना है, 400 रुपए का कैश है, कैसे 500 गल्ले में आया था 100 रुपए निकल गया, बैंक में कितना है 200, शॉप कितने की है, मार्केट का उधार कितना है, ये कितना हुआ है 400, 600, 700, 200, और ओनर का कितना है सर? ये 700 में सबसे पहले किसको मिलेंगे, सबसे पहले लायबिलिटीज उतरेंगी 200 रुपए की, क्या होंगी 700 रुपए के असासे जब रियलाइज होंगे, सबसे पहले क्या होगा 200 रुपए किसको दे दिए जाएंगे, जो भी मार्केट के पैसे हैं उनको दे दिए जाएंगे, बाकी ओनर्स को, बाकी ओनर्स को। डन हो गया जी बेटा। कैश का क्या कर दिया, प्लस 500 और माइनस 500, कंपनी के पास अब कितना रह गया, 400 का सासा है ना, ये 100 रुपए तो जा चुका है, दुकान है ना। अब देखो ये 400 में से 200 इसको पे कर देगा, 200 बच जाएंगे, ये क्या करेगा 200 इसके पास बैंक में जो 200 पड़े हुए हैं वो भी रख लेगा, दुकान को अब बेचे वापस अपने पास आ गया, कुछ भी करे, अब दुकान 150 की बेचता है, 200 की बेचता है, ये सब किसका है, ओनर का है, किसका है, ओनर का है। डन हो गया, कंफ्यूजन क्लियर, अकाउंट में वो भी ऑडिटर लगता है भाई, बैंकर को कह देगा तूने लोन रिपे नहीं किया, तो फिर भाई बैंकिंग ट्रांजेक्शन देखो यार कैसे समझा, अभी ये सवाल तो मुझसे बाद में पूछो, कब जब मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, प्रॉपर्टी एक्सपेंस नहीं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसे सवाल रिपीट कर लेना, लिखनी है अभी इसको, सही है, कहना सर ये खाली सवाल मुझे वापस बता दें, वो नहीं तो वहां से लॉजिक इसकी बना दूंगा, ठीक ये समझ आ गया। और अभी बिजनेस बंद कर रहा हूँ मैं, नहीं सर अभी हम बिजनेस बंद नहीं कर रहे, अभी बिजनेस हम बंद नहीं कर रहे, अभी तो हमने सर शुरू किया है। अब सर आपके पास, आपने सर शॉप ले ली सर फर्नीचर, सर फर्नीचर कहाँ कहाँ से आ सकता है, ये तो पता है ना, फर्नीचर असासा बनेगा, क्यों, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी को क्या करेगा, इकोनॉमिक बेनिफिट कमा के देगा, वरना सामान रखोगे कहाँ पर, शेल्फ वगैरह बनाने पड़ेंगे। यस सर, लेट सपोज सर हमने फर्नीचर ले आया कितने का, 50 का, कितने का, कहाँ से आ सकता है, कैश ओनर या लायबिलिटी। सर लेट सपोज मैं दुकान गया, जेब में 20 रुपए पड़े हुए थे, क्या पड़े हुए थे, कैसा हो सकता है 20 रुपए अभी दे दूं 30 रुपए बाद में दूं, क्या ये पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, कुछ पैसे अभी दे दो कुछ पैसे बाद में देना, कुछ पैसे अभी कुछ पैसे बाद में। तो सर अभी अगर मैं 50 रुपए का फर्नीचर तो आ गया, मेरे कंट्रोल में आ गया ना, भले उधार में ले रहा हूँ, आग लग जाएगी तो मैं क्या कहूंगा, यार आग लग गई तू वापस रख ले, ऐसा होगा नहीं सर, आपके कंट्रोल में आ गया, इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड तुम्हारे पास आ चुका है, तो तुम्हारा सासा बन चुका है, क्योंकि इकोनॉमिक रिसोर्स से जो भी मिलेगा वो किसको मिलेगा, आपको उसने चीनी की मिसाल दी थी, मिसालें दी हुई ना सारी इसके ऊपर, इसके रिवॉर्ड के ऊपर, क्योंकि कंट्रोल किसके पास है, आपके पास है। तो सर मेरे पास गल्ले से कैश निकलेगा कितना, गल्ला मतलब कैश है ना, बस मार्केट लैंग्वेज है गल्ला, वो दिल दिया गल्ला नहीं है, ये बात वाला गल्ला नहीं है, ये कौन सा गल्ला है, पैसों का गल्ला, ठीक है तिजोरी कह लो इसको, तिजोरी। सर सर कितना कैश निकला तिजोरी से, 20 रुपए, और बाकी क्या है उधार, कितने का, 30 का, मैं खाली 30 रुपए लिखे हैं, अभी इसकी लॉजिक बनाएंगे, नाम भी लिखेंगे, मगर पहले हम सब कॉन्सेप्ट देंगे क्यों। सर इसके बाद क्या करें,
सर फिक्सचर फिटिंग्स वगैरह। कितने की सर फिक्सचर फिटिंग समझ लो कि हमने आए 10 रुपए की। कहां कहां से आ सकती है, या तो जो तिजोरी में पैसा पड़ा हुआ है उसको निकाल के यूज कर लो, या उधार पे ले आओ, या ओनर ले आए। सर मार्केट में उधार मिलता है हर चीज का, याद रखना। मार्केट किस पे भी चल रही है, क्रेडिट पे। किस पे चल रही है? 3 महीने का क्रेडिट इज मोर देन नॉर्मल व्हिच इज गोइंग इनटू द बिजनेस वर्ल्ड दीस डेज। 90 दिन का उधार क्या है? बहुत ही नॉर्मल है। अब मुझे बताओ सर फिक्स्चर फिटिंग है कितने की? 10 की। कितने की आई? 10 की। सर आने के 3 तरीके हैं। सर ऊपर 2 कॉम्बिनेशन लिए थे, यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन ले लू? सर मिसाल के तौर पे अब सुनना, 3 कॉम्बिनेशन में कैसे मैं सिनेरियो बनाना, क्या बना रहा हूँ सिनेरियो। लेट सपोज उसने कहा कि भाई या 50% पेमेंट तो आप उधार पे आपको मिल जाएगी, 50% हम क्रेडिट, आधे पैसे आपको देना, आधे पैसे आपको अभी देना, बाकी आधे पैसों की तुम्हें इंस्टॉलमेंट कर दूंगा या तुम्हें बाद में मिल जाएंगे। तो सर अभी आपको उसको देने हैं कैश कितने? 5 रुपए। कितने देने? आपके पास तिजोरी में पड़े हुए 2 रुपए। कितने पड़े हुए? 3 रुपए पड़े हुए। कितने पड़े हुए? पड़े हुए तो बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरे काम के लिए भी रखे हुए। उसको अगर मैं सारे निकाल के दे दूंगा तो मेरे लिए मसला हो जाएगा। अब मैंने कहा यार 3 रुपए पड़े हुए, मैंने फौरन, किसका बिजनेस था ये? किसी का बिजनेस तो चल रहा था ना, हाँ दवाखाना, दिलावर दवाखाना ना सर। अब दिलावर दवाखाना को सर ये फर्नीचर फिक्सचर फिटिंग जो चाहिए, अब इसको उसके बंदे ने कहा भाई इतने तो चाहिए। अब दिलावर वहां बैठा हुआ सुन रहा है, अकाउंटेंट उससे बहस कर रहा है, मतलब क्या हुआ, क्यों बहस कर रहा है? तुम्हारा नाम क्या बराबर वाले? फैजान। सर लेट सपोज फैजान इसका अकाउंटेंट है, क्या है? फैजान अकाउंटेंट है। तेरा क्या नाम है? मुल्ला अहमद। सर अहमद है जिससे फिक्सचर फिटिंग्स करवा रहे हैं, मजदूर है ये, ठेकेदार है। कौन है? ठेकेदार है। उमर ने अपना, अहमद ने कहा भाईजान 5 रुपए तो अभी आप दे दे, बाकी 5 रुपए हम आपको इंस्टॉलमेंट्स करवा देते हैं, आप बाद में दे देना, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, जैसे आपको ठीक लगे। अब सर आपको फैजान ने कहा कि दिलावर भाई गल्ले में सिर्फ अभी पड़े हुए हैं 3 रुपए। कितने पड़े हुए? ये मांग रहा 5 रुपए। अब क्या करें? दिलावर ने कहा 3 रुपए निकाल के दे। क्या बोला? तो 3 रुपए निकाल के दे। बिजनेस से कितना निकल रहा है अभी? बिजनेस से अभी कितना निकल रहा है? कैश निकल रहा है कितना? 3 रुपए का। कितने का? सर मुझे एक बात बताओ, अब रहेगा 7 रुपए। कितना रहेगा? क्या बिजनेस पे 7 रुपए का उधार आ रहा है और वो मान नहीं रहा? कौन? अहमद मान, कह रहा 50% तो आप क्या करोगे, मुझे पेमेंट दोगे। अब सर दिलावर ने कहा यार अच्छा ठीक है बहस मत करो। दिलावर ने अपनी चेकबुक निकाली। कौन सी चेकबुक निकाली? दिलावर खान की। पढ़ाने तो नाम ऐसा क्यों रखा हुआ है? दिलावर हुसैन सिंधी, सिंधी माड़ू सर, दिलावर हुसैन खान चाहिए। अब दिलावर ने अपना, दिलावर हुसैन के नाम का जो चेक है, जो कैश चेक है, जो उसका बैंक अकाउंट है, उसका चेक काट के दे रहा है। किसका? दिलावर खान का चेक काट के दे रहा है, दिलावर दवा खाना का नहीं दे रहा। तो क्या ये ओनर रिलेटेड ट्रांजेक्शन है? ट्रांजेक्शन जो ओनर बिजनेस के साथ कर रहा है, बिजनेस के बिहाफ पे ओनर एक पेमेंट कर रहा है, तो बिजनेस को रिकॉर्ड करेगा ना, क्योंकि बिजनेस के पास तो पूरा 10 रुपए का फिक्सचर फिटिंग आया ना, पूरा 10 रुपए कंट्रोल में आ गया। किसके पास? बिजनेस का। बिजनेस दिखेगा कि ये कहां कहां से आया, इसको फाइनेंस कहां कहां से किया गया। 3 रुपए बिजनेस अपने कैश से किया, बाकी 20 रुपए, 2 रुपए किसने किया? ओनर ने। कितने किया? 2 रुपए किसने किया? ओनर ने। 2 रुपए किसने किया? बाकी 5 रुपए का उधार है मार्केट का, 7 रुपए मार्केट का उधार नहीं था, क्योंकि अहमद को 5 रुपए दे दिए गए हैं। जो मार्केट का उधार है वो कितने का है? 5 रुपए का है, 7 रुपए का नहीं है। तो आपके पास लाइबिलिटी कितनी आएगी? 5 की। जरा देखो आपके पास ये बराबर हो रहा है एसडी को, लाइबिलिटी पर इक्विटी, क्या ये इसके इक्वल है? क्या ये इसके इक्वल है? मतलब सर देखो सीन क्या हुआ, असासा था, कहां कहां से फाइनेंस हुआ, हमने सिर्फ उसको लिख दिया, डन हो गया, डन हो गया। यस सर। सर अब सामान खरीद के ले आए, माजून बेचना शुरू करें तेरा, या चूरन बेचना है? तुम लोग को पीडीएस मिल रहे? नहीं मिल रहे पीडीएस? नहीं मिल रहे? तस्वीरें खींच रहे?
कल शायद किसी बच्चे ने फोन मैसेज भी किया था यार, किससे मैसेज किया था कल? नहीं, पीडीएस का नसीर को बोला भी था, नाम भी बड़ा। एक लड़की का मैसेज, दुआ कौन है? ऑनलाइन ऑनलाइन मगर बैठी हुई दुआ। इस बच्ची का भी मैसेज आया था पीडीएस के लिए, मैंने क्या, मुझे याद दिलाना आज, सही है? कब याद दिलाओगे? 5-6 बजे। 6 बजे नसीर जो है वो आएगा, तो मैं कहूंगा कि इसको पीडीएफ बना के गूगल की ड्राइव की लिंक देगा, कि जितना भी पढ़ा हुआ है ना, ये सारा का सारा क्या होगा वहां पर आ जाएगा। डन हो गया। फोकस अभी किस पे करो? ज्यादा सुनने पे। सर अब जो है प्रैक्टिस जब होगी तब लिखना, अभी पहले कॉन्सेप्ट लिखने तो लिख लेना। तो सर हमने क्या किया? सर हमने लिखा कि भाई ये पैसा कहाँ से फाइनेंस हुआ, ये फिक्स्चर एंड फिटिंग जो कंट्रोल में आ रहा है बिजनेस के, ये बेसिकली फाइनेंस कहाँ से हो रहा है? 2 रुपए बिजनेस से खुद दिए, 3 रुपए बिजनेस से खुद दिए, 2 रुपए ओनर से आए हैं, और 5 रुपए का उधार है। 5 रुपए का क्या है? उधार है। क्या बात समझ आ गई? यस सर। सर अब क्या हुआ? अब सर लेट सपोज अभी बिजनेस बंद कर देते हैं, क्या कर देते हैं? अब क्या करना है? बिजनेस बंद करते हैं। मिसाल के तौर पर बिजनेस को मैं दिल नहीं कर रहा भाई, सामान मंगाने का दिल नहीं कर रहा, चाहिए मिसाल के तौर पे इसने कहा कि भाई वो रेगुलेशन आ गई है कि इस तरह से आप इस तरह की दवाइयां नहीं बेच सकते, मतलब होम्योपैथिक दवाइयां आप नहीं बेच सकते, ठीक है? दवा खाने अब नहीं चलेंगे, हकीम लुकमान के साथ जो सीन हुआ अब आपके साथ नहीं चलेगा, कुवत का खजाना फैजान दवा खाना भी बंद हो गया था, ये भी बंद होगा। अब क्या करेगा सर? दवाइयां तो नहीं खरीद के लाएगा। अब समझ लो, सपोज कर लो बिजनेस बंद हो रहा है, क्या कर लो? अगर आज बिजनेस बंद हो रहा है, मुझे बताओ बिजनेस के ऊपर असासा कितना है? आपको अगर सर असासा अगर मैं ऐसे ही देखूं 500-200 कितना है? 700, ये जीरो हो गया, 737 हाँ कैलकुलेट कर लो, पहले कोई मसला नहीं। 500 + 200 = 700, ये 100 जीरो हो गया, 700 में ये 30+ कर दूं, हाँ 30+ कर दूं, और यहाँ पे 7+ कर दूं, 737 का बिजनेस के पास असासा है। हम जरा गौर से सुनना, सही है? 737 का क्या है? असासा है। लायबिलिटीज कितनी है? 235 की, 235 की, और सर ओनर का कितना है? 502। जरा इनको ऐड करो तो क्या 737 बनता है? अब सर एक बात सुनो, अगर तुमने सिर्फ इस तरह करके लिख दिया, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा असासा कौन सा कितना है? कैश की सूरत में कितना है, बैंक में कितना है, फर्नीचर का कितना है? नहीं पता। पता होना चाहिए, क्यों? हाँ कहाँ कहाँ पे लगा हुआ? स्टेक होल्डर्स की बात कर ली हमने, स्टेक होल्डर्स की बात की हमने, या कुछ आधे यस कह रहे हैं, कुछ आधे नो कह रहे हैं, तुम्हारे घर पे आगे पढ़ाया नहीं था, या तुम्हारी आंखों पे पट्टी नहीं बंधी हुई थी, तो ये हो सकता है। दोनों में से एक सिनेरियो, तो किसी घर पे आगे पढ़ाया है, या जब पढ़ा रहा था तुम्हारे आंखें उस वक्त बंद थी, हाँ स्टेक होल्डर्स का बताया कुछ भी? ITB में पढ़ा है बेटा, ITB की दुनिया अलग, अकाउंट्स की दुनिया अलग, क्योंकि ITB का शायद जो ऑब्जेक्टिव है वो दूसरा है, अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव दूसरा। मिसाल के तौर पे स्टेक होल्डर्स का मतलब है ये हिसाब किताब किन लोगों के लिए किया जा रहा है। क्या मतलब है स्टेक होल्डर्स का? क्या मतलब है कि कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनके लिए अकाउंटिंग की जा रही? कुछ तो होंगे ना, ये हिसाब किताब से उसने अब्बा के लिए की थी हमने, अब्बा से क्या चाहिए थी? पॉकेट मनी बढ़वानी थी। यहां पर भी कोई ना कोई स्टेक होल्डर्स है। स्टेक होल्डर का मतलब द पीपल इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ बिजनेस, द पीपल इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ बिजनेस। लिखना नहीं, रट्टे रट्टे नहीं लगाते, चाहिए छोड़ दो, नहीं लिखना। जब समझा रहे होंगे तब लॉजिकली समझना, ठीक है? रट्टा में कोई बंदा लगाते हुआ दिखे नहीं होंगे, चीजों को लॉजिकली देखेंगे और खुद ब खुद याद हो जाएगी। सर अब सुनो, बैंक से लोन लेने जाते हो, बिजनेस बैंक से लोन लेता है, बिजनेस बैंक से लोन, जब बैंक से लोन आप मांगते हो, बैंक आपसे सिक्योरिटी मांगता है? अब गौर से सुनना, बैंक आपसे क्या मांगता है? अभी सिर्फ एक स्टेक होल्डर की बात कर रहा हूं, बैंक को आपके फाइनेंशियल में क्यों इंटरेस्ट है वो बता रहा हूं, बैंक को आपके हिसाब किताब में क्यों इंटरेस्ट है वो बता रहा हूं। बैंक से आपने कहा
500 का, क्या का 500 रुपए का या 600 रुपए का, कितने का 600 रुपए का लोन दे दो बैंक, क्या दे दो 600 रुपए का लोन दे दो बैंक। बैंक कहेगा यार तुमसे 600 का लोन मांग रहा है, इसके अगेंस्ट कुछ सिक्योरिटी भी तो रखवाएगा, बैंक ऐसे ही तो नहीं दे देता। और सर बैंक हमेशा जो तुम सिक्योरिटी रखवाते हो, जो तुम सिक्योरिटी रखवाते हो उसका 80% रखता है। क्या मतलब सर? वो FSV लेता है। क्या लेता है? फोल्ड सेल्स वैल्यू। ये क्या मतलब होता है सर? अगर तुम अपना घर बेचना है या तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम्हें गाड़ी बेचनी है, तुमने कहा शोरूम को गाड़ी बिकवा दो, वो कहेगा 20 लाख में बिक जाएगी, खड़ी करके चला जा। तुमने कहा अभी के अभी पैसे चाहिए, अभी का अभी बता रेट, अभी के अभी कैश पूरा चाहिए, होता 18 लाख ले ले, 17 लाख ले ले, होता ही नहीं होता। आपको जब अर्जेंट बेसिस में फॉरन एट अ टाइम बेचनी हो तो वैल्यू क्या होती है? कम हो जाती है। वैल्यू क्या होती है? कम हो जाती है। सर इसको हम कहते हैं फोल्ड सेल्स वैल्यू। बैंक कोई शोरूम तो नहीं है ना, कि कल को अगर तुमने अपनी कोई फॉर एग्जाम्पल या कोई रियल स्टेट का काम नहीं करता, कल को लेट्स सपोज तुमने अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई हुई है, कल को बैंक को तुमने पैसे वापस नहीं किए, तो बैंक क्या इंतजार करेगा उसको बेचने का? बैंक क्या करेगा? हाथों हाथ बेच देगा। क्या करेगा? हाथों हाथ उस प्रॉपर्टी को बेचेगा। तो सर अब हाथों हाथ प्रॉपर्टी को बेचोगे तो सर उस वक्त बैंक को तो फौरन पैसा चाहिए ना। ऐसा तो नहीं ना एक लोन से डसा हुआ दूसरा लोन देगा, ऐसा होगा? मिसाल के तौर पे सर ये प्रॉपर्टी थी, ये क्या थी? ये प्रॉपर्टी हमने बैंक के पास लोन पे रखी हुई थी, लोन लिया था, बैंक को ये कहा था प्रॉपर्टी तो हमारे सिक्योरिटी है, क्या है? सर लेट सपोज इसकी वैल्यू थी 100 रुपए की, कितने की? हमने कहा 100 रुपए की, 100 रुपए देते बैंक का कभी भी नहीं दूंगा, 80 रुपए दूंगा। कितने दूंगा? मतलब मैं इस सिक्योरिटी को 80 रुपए ट्रीट करूंगा, तो 80 रुपए का लोन चाहिए तो 100 रुपए की प्रॉपर्टी ला के मेरे पास सिक्योरिटी पे रखो। अगर तुझे 50 का लोन चाहिए तो 70 या 75 रुपए तक की क्या कर, एक प्रॉपर्टी लाकर मेरे पास सिक्योरिटी पे रखवा। ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब सर सीन क्या होगा? सीन सुनना, कल को जब ये बंदा डिफॉल्ट कर गया, क्या कर गया? बैंक जाएगा कोर्ट पे, कोर्ट लिक्विडेटर को अपॉइंट करेगा, बैंक कहेगा ये लो एग्रीमेंट नीलाम कर दो, इसका ये क्या, इसका बाप भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? काउंटर केस आता है ना, वो हाई कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो हम क्या करेंगे? पहले ही कोर्ट को दिखा देंगे एग्रीमेंट कि भाई ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हुई हुई है, मॉर्गेज हुई हुई है। क्या हुई हुई है? एज अ सिक्योरिटी हमारे पास मॉर्गेज हुई हुई है। अब क्या करेंगे सर? बैंक इसको नीलाम करेगा? नहीं, लिक्विडेटर नीलाम करेगा। कौन नीलाम करेगा? लिक्विडेटर, जो कोर्ट से बंदा आएगा। अब उसको बेच देगा औने पौने दामों में। कैसे बेच देगा? 80 रुपए। अब ऐसा तो नहीं होगा ना भाई, बैंक वैसे ही डसा हुआ है, बैंक को पैसों की जरूरत है। अगर बैंक को पैसों की जरूरत ना होती तो बैंक शायद इसको एक्सटेंड कर देता। क्या कर देता? कहता बस ठीक है तू 2-3 महीने का और टाइम ले ले, पैसा दे दे, मगर उसमें मैं इजाफी इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। एक रीस्ट्रक्चरिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? बैंक भी इतने रिजिड नहीं है जितना मैंने बताया। जल्लाद मत समझना बैंक को, बैंक जल्लाद नहीं है, मगर अच्छा भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है। बैंक की अगर पेमेंट ड्यू हो गई नहीं देते ना तो क्या कहता है? कहता है बेटा इंटरेस्ट देगा तू पूरा का पूरा इस पे भी। समझिए एक और लोन दिया तुझे। क्या दिया है? एक और लोन हो गया, इसके ऊपर इंटरेस्ट का रेट क्या करता है? बढ़ा देता है। अब सर लेट सपोज जल्लाद बना हुआ है। क्या बना हुआ है? बैंक को पैसों की जरूरत है। और वहां पर नीलामी में एक बंदा खड़ा हुआ था, हाँ भाई 80 रुपए में ठीक है मैंने ले ली, बोला पैसे दो, बोला लोन तू दे दे तो इससे ही लोन लेके दे दूंगा। ऐसा हो सकता है? मगर रियल लाइफ में बहुत देखोगे यार, इसमें ऑडिट करने में मजा आता है। क्या करने में मजा आता है? तब जाके ऑडिट करने में मजा आता है कि जो चीज अलाव ना हो और पीछे से वही चल रही है, पीछे से वही चल रही है। ठीक है, रियल लाइफ में ऐसा बहुत होता है। फिर तुम्हारे स्किल्स के ऊपर है, तो उसको पकड़ते कैसे हो। बंदा पता क्या करता है? बैंक से ही लोन लेके वो प्रॉपर्टी ले लेता है, और फिर बैंक बाद में उसके साथ मिला हुआ होता है। जो डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? मिले हुए होते हैं और एक गरीब की बजा देते हैं। समझ गए? बिजनेस चल रहा है सर। बिजनेस क्या चल रहा है? मिसाल के तौर पर भाई वही वाली बात हो गई ना, एक बंदा मजबूर है, एक बंदा क्या है? मजबूर है। अब वो मार्केट में तुम गए, कार्टल बना हुआ है मार्केट में। क्या बना हुआ है? एक कार्टल बना हुआ है। तुमने गाड़ी बेचनी है भाई अपनी, तुम बड़े मजबूरी में हो। अब लेट सपोज बैंक ने तुम्हें ये, लेट सपोज ये गाड़ी दी। क्या थी? ये गाड़ी थी। अब जो है बंदे बैंक ने अपने बिठा दिए। क्या बिठा दिए? बैंक में बंदे किससे बिठा दिए? अपने बिठा दिए। और उनके किसी बंदे ने 60 रुपए लगा दिए, जबकि प्रॉपर्टी की वैल्यू 120 थी। उसको कितनी थी? 120 थी। मिसाल के तौर पर कितनी थी?
120, आपने 80 की बेच दी, इसी बंदे ने कितने में खरीदी, 80 में, 80 में खरीदी, हम भी खुश हो गए, क्या बल्दी निकली, क्या हुआ, लोन निकला ना, सुकून हो गया। प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी थी, बैंक का ही बंदा बैठा हुआ था, कौन बैठा हुआ था, बैंक का बंदा बैठा हुआ था, उन्होंने आउटसाइड अपने एम्प्लॉय से ट्रांजेक्शन करवाई, सही है। अब एम्प्लॉय का पैसा कहां से आएगा, वो कोई और तरीके से उसने हाउस लोन लिया होगा और वही करके फिर बैंक ने क्या करा, अपना पूरा बेनिफिट छाप लिया। समझ आया नहीं आया सर, प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 120 की, अपने ही बंदे को बिकवाई, इसने इसको फाइनेंस कहां से किया, बैंक के अपने लोगों ने इसको लोन दिया था, किसने दिया था, बैंक ने इसको लोन दिया था, बैंक ने जब इसको लोन दिया इसने ये प्रॉपर्टी ले ली। हाँ अब ये इंटरेस्ट देगा टुकड़ों टुकड़ों में, क्या करेगा, इसने जाके बेची कितने की, 3-4 महीने रुक के फिर जो भी प्रॉफिट था सबने मिलवा के खा लिया, और कौन गरीब मर गया, गरीब शेयर होल्डर्स हैं जो लोग थे। तो ये बड़े कॉर्पोरेट किस्म के क्या कहलाते हैं, कॉर्पोरेट स्कैम्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तुम्हें पता है, तुम्हें मैंने एक वेबसाइट बोली थी देखने के लिए, FT.com, किसने देखना शुरू की, क्या चल रहा है आजकल, कुछ तो पढ़ा होगा, कोई कंपनी का नाम ही बता दे, मुझे लगे तूने पढ़ा है, नहीं कोई कंपनी का तो नाम पढ़ा होगा, कोई कंपनी ने ये चीज कर रही है, हाँ FATF का, तो चलो FATF का फुल फॉर्म क्या है, फाइनेंशियल क्या करती है, क्या करती है, नहीं नहीं बेसिकली ये टास्क फोर्स बनी क्यों थी, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए, क्योंकि कहते हैं ये जो ज्यादातर टेररिस्ट फंडिंग होती है वो कहां से होती है, हवाले से होती है, हवाले वाला बिजनेस बताया था, बता दे कहां पे आता, तो एक बंदा बता दे जो ये वाला पैसा बैंक पे आता, आ जाए तो सारे का सारा मसला ही हल हो जाए ना, इंक्वायरी खुल जाएगी, कभी जिंदगी में नहीं लेगा, गलती से आ गए होंगे ना, उसकी बहुत बड़ी गलती हुई होगी, तो हो गया होगा। हर्षद मेहता का स्कैम है, सबसे बड़ा एनरॉन का स्कैम, कौन सा स्कैम है, उसके लिए तो ये बहुत आगे पढ़ना पड़ेगा, अभी तो समझ में नहीं आया, वो तो मैं बता दूंगा कैसे होता, मतलब बता दूंगा अभी केस हुआ क्या, ऐसे होता है नहीं, वहां क्या सिनेरियो हुआ था वो बता दूंगा। तुम जब इंशाल्लाह चार्ट अकाउंटेंट बनोगे, जब इंडस्ट्री में जाओगे ना, तुम्हें को बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, प्रैक्टिकल लाइफ इज अ टोटल अपसाइड डाउन ट्विस्ट, वहां पे मजा आएगा। कोई और सवाल, तुझे पता है कौन है, तुझे पता है कौन है तो मुखबरी करते जाके, मुझे तो नहीं पता, इफ यू इफ यू नो दो एंटर बताएगा, एयरपोर्ट पे कैसे, तुझे पता है वो करता है, कोई करता है तो मैं वही तो से पूछा, मुझे पता कौन करता है, सुना है वो, फिर हाईलाइट हुआ होगा तो भागा हुआ होगा, केस आया था, प्रूव हो गया, हाँ सेटिंग हो गई, ऐसे ही इनकी भी सेटिंग ही हुई हुई है ना, हाँ के वहां पे फ्लैट भी बन गए, अभी तक पकड़ा नहीं गया, क्यों, कोई ऑडिट ट्रेल ही नहीं छोड़ी ना इन्होंने, कि किसी ट्रेल से, हाँ कैसे पकड़े गए, पैसा वहां तक पहुंचा कैसे, तुम्हारी इतनी आमदन तो है नहीं, तुम्हारी इतनी आमदन तो है नहीं, तो तुमने वहां प्रॉपर्टी कैसे बना ली, ये जो विकीलीक्स वगैरह होती है क्यों होती है, इसीलिए होती है ना, यार अगर एक बंदे की इतनी बेनाम प्रॉपर्टीज हैं, पाकिस्तान का बंदा है भाई, तूने पैसा कमाया कहां से आया इतना पैसा जो तूने कमा के वहां पे कर दिया, तो सवाल जवाब आते हैं, फिर क्या होगा, अगर जवाब नहीं दे सकोगे तो सबसे पहले यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज तुम्हारे नाम पे है वो कॉन्फिस्केट की जाएंगी, चित्र अलग दिए जाएंगे, बंबू अलग दिया जाएगा, प्लस जेल की चक्की पीसते रहोगे, चक्की चक्की फिर चक्की कहेगा मैं इस काम के लिए नहीं, धन हो गया, जिसको समझ नहीं आया उसको समझने की जरूरत भी नहीं, सही है, समझ में नहीं आया ना वो किस तरह हो रहा है।
आया था थोड़ा बहुत ना, नहीं समझना था भी नहीं। अच्छे बच्चे को यही निशानी होती है, ये वाली चीजें समझते नहीं होते, नहीं जो करना नहीं है तो वो समझना भी नहीं। सर फिक्स्ड चेयर फिटिंग्स आ गए, अब सर क्या करें? हाँ सर दुकान आ गई, फर्नीचर आ गया, हर चीज हो गया, इक्विपमेंट ले आए कर दी और बोलो साथ हो। ऑनलाइन यस सर, सर इक्विपमेंट, सर इक्विपमेंट ला रहा हूँ, लेट सपोज मैं 30 का, कितने का 30 का सर, अगर 30 का मैं इक्विपमेंट लेकर आ रहा हूँ सर, इसको लाने की कितनी सोर्सेज है? 3। अब कहाँ से लाना चाह रहे हो? पूरा ओनर लेकर आ जाए, पैसा सारा ओनर दे दे, चाहिए सर प्लस 30, डन हो गया। अब सर ओनर कुछ लेकर जा सकता है? हाँ चलो पहले सामान तो ले, दवाइयां ले, दवाइयां ले बेटा, कौन सी दवाई चाहिए तुझे? माजून नहीं, तूने हाथ क्यों मारा सर? क्या कर रहा था मोबाइल? नेक्स्ट टाइम वो पीछे खिड़की देख रहा है ना, खोल के बाहर फेंक दूंगा। भाई खराब थी, जब किसी को काम हो तो दरवाजा खोला। देखो मेरी क्लास में मैंने लास्ट टाइम भी कहा था या नहीं कहा था, मोबाइल के यूज में मेरा टॉलरेंस लेवल क्या है? 0 है। आपको कोई बहुत इमरजेंसी है बाहर जाओ, यूज करके अंदर आ जाओ। मैं नहीं पूछूंगा कि क्यों गए थे, क्यों वापस आ रहे हो, नो क्वेश्चन आस्क, बट इन क्लास यूज नहीं करोगे। आप पीछे खिड़की जो देखी है ना, यहीं से उठा के नीचे फेंक दोगे, तो तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे, उनसे बात कर लीजिए, डन हो गया। मोबाइल यूज मत करना है, बेसिकली एक इंसल्ट टाइप होती है। घर में भी अगर कोई बड़ा बात कर रहा हो, मोबाइल यूज करने बैठ जाते हो, क्योंकि इंसल्ट है ना, सामने कोई बंदा कुछ कह रहा है और हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे। इफ यू आर लीस्ट इंटरेस्टेड, आई एम लीस्ट बॉदर्ड फॉर योर कैरियर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने कल को जाके बैठ के पैसे कमाने हैं ना, मुझे लाके कुछ देना है? नहीं देना। लेकिन अगर तुम क्लास में बैठ के मोबाइल यूज कर रहे हो ना, इसका मतलब पता है क्या है? जो बंदा अपने माँ बाप का नहीं हो सकता ना, वो कभी किसी का नहीं हो सकता। कि तुम्हारा बाप शायद अभी किसी गर्मी में बैठ के कमा रहा होगा, तुम्हारी फीसें भरी हुई है, आने का इस टाइम पे भी जब पेट्रोल के लिए इतने लोग रो रहे हैं, तुम्हें कन्वेंस प्रोवाइड की जा रही है, खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, घर पे रात को जा रहा है, तुम्हें टेंशन है कि मैं रात को घर पे जाऊंगा तो अभी तेल के रेट बढ़ गए हैं, या बिजली का बिल बढ़ गया, एसी चला सकूंगा नहीं चला सकूंगा, खाना खा सकूंगा नहीं खा सकूंगा, घर पे खाना बना होगा नहीं होगा, तुम्हें टेंशन है? क्यों? योर फैमिली इज प्रोवाइडिंग ना माशाल्लाह से। क्यों? बिकॉज दे जस्ट वॉन्ट यू टू स्टडी। आप नहीं स्टडी करते तो नीचे गेमिंग जोन है अल्हम्दुलिल्लाह, जाओ गेम खेलो, चेस खेलो, दिमाग तेज होगा। चेस खेलने दिमाग क्या होता है तेज होता है, वहाँ पे भी ए सी है, ऊपर लाइब्रेरी है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। मेरी क्लास में मोबाइल यूज नहीं कर सकते, डन हो गई ये बात। फ्रेंडली चलेंगे, मगर उस पॉइंट पे मुझे मत लेकर आना कि मैं फ्रेंडली टोन अपनी क्लास में चेंज कर दूँ, वरना कोर्स पढ़ाना यूं पढ़ा के यूं निकल जाऊंगा। सेट हो गया सर? इक्विपमेंट आप ले आए कहाँ से? मार्केट से। अब सर लेट सपोज दवाई लेकर आता है, ठीक है दिलावर, कौन सी दवाई बेचना चाहेगा? जनरल मेडिसिन सर, जनरल मेडिसिन सर। अगर जनरल मेडिसिन लानी है, अब सर एक बात बताए सर, गुड्स का बताया था मैंने, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के गुड्स का बताया था सर। दवा खाने के लिए गुड्स क्या कहलाएंगे? मेडिसिन। हैबिट के लिए गुड्स क्या है सर? गुड्स का मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। के बिजनेस किस चीज के लिए फॉर्म हुआ है? याद है हम जब बिजनेस की कंपनी बनाने गए थे, हमने मेमोरेंडम एसोसिएशन बनाई थी। मेमोरेंडम एसोसिएशन हमने क्या किया था? बताया था कि बिजनेस का सोल पर्पस क्या है, बिजनेस क्यों एग्जिस्टेंस में आ रही है। डेनिम का कपड़ा बेचेगी, फर्नीचर बेचेगी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचेगी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचेगी, या बिजनेस करेगा क्या? तो सर यहाँ पर हमने जब दिलावर दवा खाना बनाया था, उसका क्या बिजनेस था? मेडिसिन का। तो सर मेडिसिन के लिए क्या कहलाएंगी? गुड्स। अगर ये हैबिट का बिजनेस होता तो फर्नीचर क्या कहलाता? गुड्स। मगर सर फर्नीचर दो किस्म के, कौन से हैं? गुड्स सिर्फ वो कहलाएंगे जो आपने इसने खरीदे हैं, गुड्स सिर्फ वो कहलाएंगे जो इसने खरीदे हैं बेचने के लिए। किसके लिए? जो इस्तेमाल के लिए है वो क्या कहलाएगा? फर्नीचर ही कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? अगर हैबिट पे जाते हो, कोई डीलिंग करनी होती है,
तो उसी बिस्तर पे बिठा के तो सर यहीं पे डीलिंग करते बैठ जाए, देखिए कितना कंफर्ट लेवल है, आप उछलें इसके ऊपर जंपिंग जपाक करते रहो, ऐसा होगा नहीं ना सर। तमीज से अलग से एक जगह दी हुई है, वहां पे टेबल कुर्सी ऑफिस बना हुआ है, वो भी फर्नीचर है, कुर्सी अच्छी है बेच दो इसको, बेचेगा वो, कहेगा सर ये इस्तेमाल के लिए, ऐसी चीज वो नीचे पड़ी हुई आप ले लें, ऐसा ही होगा। तो सर ये जिसपे तुम अभी बैठ के डीलिंग कर रहे हो, जो ऑफिस के इस्तेमाल में है, वो फर्नीचर कहलाएगी, क्या कहलाएगी, और जो नीचे पड़ा हुआ है बेचने के लिए, वो क्या कहलाएगा, गुड्स, क्या कहलाएगा, गुड्स। सर मिसाल के तौर पे हम पार्क फैन कंपनी पे जाते हैं, पार्क फैन कंपनी पे गए, हमने देखा कि बहुत सारे डब्बे लगे हुए किस चीज के, पंखों के, और कुछ सर के ऊपर ही पंखे हैं, कुछ सर के ऊपर ही पंखे हैं, क्या दोनों गुड्स हैं भाई, पंखों का बिजनेस है ना, जो ऊपर लगा हुआ तुम्हें हवा दे रहा है वो इक्विपमेंट है, वो क्या है, जो वहां पड़ा हुआ है वो क्या है, गुड्स है। डॉलेंस कंपनी में जाओ, एसी लगे हुए दिखेंगे, एसी लगे हुए दिखेंगे ना, और जो एसी लगे हुए हैं और कुछ एसी होंगे डब्बों के अंदर होंगे, तो डब्बों के अंदर वो क्या है, गुड्स, और जो ऊपर है वो क्या है, इक्विपमेंट। सर ऑफिस सप्लाईज बताया मैंने तुम्हें, नहीं बताया सर ऑफिस सप्लाईज। सर लेट सपोज अभी मैंने आपको कोई हैंडआउट देना है, क्या देना है, लेट सपोज दे नहीं रहा, क्या कहा मैंने, लेट सपोज मैंने आपको एक हैंडआउट देना है, कोई नोट्स वगैरह का, सर मैं उसके लिए मुझे प्रिंटिंग करवानी होगी, लेट सपोज तुम लोग बैठे हुए 35-40, अब मैं जाऊंगा बाहर बोलूंगा 35-40 कॉपीज चाहिए, तो क्या अभी जो प्यून है मार्केट जाएगा 35-40 पेजेस खरीदेगा और ला कर देगा और हम प्रिंटिंग करेंगे, ऐसा होगा, लेट सपोज एसपी है शाजा पराचा, उसको चाय पीने का मूड हो, अब वो कहेगा चाय चाहिए, अब वो टी बैग वाली पीता, अब क्या करेगा, बाहर कहेगा चाय चाहिए, तो प्यून फौरन भाग के जाएगा टी बैग मार्केट से दो खरीदेगा, आएगा गर्म पानी में डालेगा उसको चाय देगा, ऐसा होगा नहीं, वो चीनी चलो नहीं पीता, अरसलान है चलो वो चीनी पीता, अब वो कहेगा चीनी वाली चाय, अब उसके लिए दो टी बैग लेगा, फिर दो टी स्पून चीनी की लेगा और फिर लेकर आएगा, ऐसा होगा। हाँ पेन चाहिए, एक पेन खत्म हो गया, एक पेन कहेंगे 10 रुपए दूसरी पेन लेकर आ, बॉक्स फाइल्स चाहिए होती है, क्लीनिंग सप्लाईज चाहिए होते हैं, वॉशरूम जाते हो लिक्विड सोप मिल रहा होता है तो मैं दिख रहा होता है, हाँ यस सर, सर ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, ऑफिस सप्लाईज की कैटेगरी में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, ऑफिस सप्लाईज की कैटेगरी में ये सारी चीजें आती है। सर कंपनी इसको एक साथ मंगवा लेती है, क्या मंगवा लेती है, एक साथ मंगवा लेती है, मगर इसका खर्चा, चलो खर्चे की तो बात, एक साथ क्या करती है, मंगवाती है। मुझे मिसाल क्यों मैंने इसके ऊपर आया, मुझे नेस्कैफे की एग्जांपल देनी थी, किसी एग्जांपल देनी थी, नेस्कैफे की कह लो, लिप्टन की कह लो, टपाल की कह लो, और कौन है, चीनी ब्रांड्स है, और कोई ब्रांड है चाय के, आपको नींद बहुत नहीं आती, आपको देख के मुझे नींद आने लग रही है सर, सच में कब सोती है, सोती देर से जल्दी उठती है, तो फिर टाइमिंग थोड़ी सी चेंज कर दो ताकि एक्टिव रहो, 8 बजे सो जाते हो, इशा से पहले अस्तगफुरुल्लाह, फजर से पहले उड़ जाते हो, अच्छा तहज्जुद साथ पढ़ते हो, नहीं वो खाली वितर छोड़ने होते हैं, वितर और तहज्जुद साथ पढ़नी होती है, फिर डबल सवाब मिलता है, यूनिक टाइमिंग है यार, क्या लड़ाई है मेरे सामने, वैसे ही मैं सोता हूँ 5-6 बजे, और फिर सुबह 8 बजे उठ के आना होता तो बड़ा मसला हो जाता है, तो थोड़ा एक्टिव रहा होता कि मैं भी एक्टिव हूँ, चाहिए मुंह धोना है, अब नींद नहीं आएगी, टॉफी रखा करो, सबसे बेस्ट क्या होता है, टॉफी एंड चॉकलेट, चॉकलेट वैसे पेपर्स में लेके जाया करो, बता रहे पेपर्स हो ना, पेपर्स में इंसान का शुगर लेवल डाउन होता है और उसकी स्पीड वगैरह नींद वगैरह आने लगती है, तो चॉकलेट जब मुंह में च्यू करते रहोगे या लिक करते रहोगे तो थोड़ा एक्टिव रहोगे, चाहिए आप टॉफी खाया करें। सर बात कहाँ कर रहे थे, नेस्कैफे की, नेस्कैफे पे याद आ गए, कॉफी, सर मिसाल के तौर पर नेस्कैफे के एम्प्लॉयज भी कॉफी पीता, टपाल वाले अपने एम्प्लॉयज को चाय देते हैं, लिप्टन वाले भी अपने एम्प्लॉयज को चाय देते हैं, अब सर उनका काम क्या है, चाय बेचना, इस्तेमाल नहीं कर सकते क्या, अब अगर ऐसा होगा कि लिप्टन की कंपनी में जाए उनके किचन के अंदर जो टी बैग्स पड़े हुए होंगे टपाल के पड़े हुए होंगे, ऐसा होगा, और टपाल कंपनी में जाओ उनकी कंपनी के अंदर जो वो होंगे वो उसके होंगे लिप्टन वालों के, ऐसा होगा, नेस्कैफे कॉफी का कोई ब्रांड है, कॉफी का कोई ब्रांड है, कौन सा तो बताना, नाम बताना,
नेस कैफे के अलावा कोई कॉफी का ब्रांड है? मोमिन पिक ब्रांड है, कॉफी बॉटल है मोमिन पिक, सर लेट्स गो, मोमिन पिक कंपनी है, मोमिन पिक के भी एम्प्लॉइज कॉफी पीते होंगे ना। अब मोमिन पिक के कंपनी के अंदर हमें नेस कैफे का तो नहीं दिखेगा ना कॉफी, अपनी दिखेगी। तो सर कुछ कॉफी के जार्स ऐसे होंगे जो आपने रखे हुए होंगे वेयरहाउस के अंदर बेचने के लिए, वेयरहाउस में रखे हुए होंगे बेचने के लिए, वो क्या कहलाएंगे? गुड्स। क्या कहलाएंगे? गुड्स। और जो आपने इस्तेमाल के लिए रखे हुए वो क्या कहलाएंगे? ऑफिस सप्लाई। सर रोज पेटल कंपनी में जाओगे, कुछ अंबार लगे हुए होंगे टिश्यू पेपर्स के बेचने के लिए, कुछ उनके ही ऑफिस के अंदर टेबल पर रखा हुआ होगा, वो क्या कहलाएगा? ऑफिस सप्लाई। मतलब सर आपको कॉन्सेप्चुअली देखना है कि वो चीज का यूज क्या है। अगर उसको रखा गया है बेचने के लिए तो क्या होगा? ये गुड्स। और अगर इसको रखा गया है यूज करने के लिए तो क्या हो जाएगा? ऑफिस सप्लाईज। डिपेंड करेगा ऑफिस सप्लाईज होगा या फर्नीचर होगा या इक्विपमेंट होगा या एसी होगा, ये डिपेंड करेगा। ठीक है, आपको क्लासिफिकेशन देखनी है, क्यों देखनी है, क्या वजह है, हर चीज के पीछे लॉजिक है, मगर अभी कबल वक्त हो जाएगी वो लॉजिक, अभी हम आपको नहीं देंगे। तो सर आप क्या कर रहे हो? गुड्स खरीद के ला रहे हो, गुड्स खरीद के ला रहे हैं। सर लेट सपोज हमने खरीदे गुड्स 50 रुपए, कहां कहां से ये मेडिसिन आ सकती है? दिलावर उधार पे आ सकती है, अपने कैश से आ सकती है, या मार्केट से आ सकती है, कैश पे आ सकती है, या ओनर लेकर आ सकता है। कहां से लाना चाह रहे हो? कैश से। सर कैश चला गया भाई, देख ले इतना कैश है या नहीं है, बाद में मसला ना हो जाए। हाँ बचपन तो है नहीं है तेरा। हाँ नहीं है ना कि जेब में 1 रुपया था और 10 बजे आइसक्रीम लेकर आ रहा, वो जीरो के बदले फिर देख लो इतना कैश है, 500, 100, 400, 380। हाँ ठीक है, तो आराम से खा आइसक्रीम, टेंशन नहीं है। सर अब उधार पे भी आ सकता है, उधार वाले का अलग नाम बताया मैंने तुम्हें? नहीं बताया, नहीं बताया। सर लेट सपोज गुड्स आर क्या है? अच्छा इससे पहले एक चीज कर दो बस, सर मैं इसको खाली एनालाइज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? एनालाइज कर रहा हूँ, इतनी मेमोरी खत्म हो जाएगी, इसको श्रिंक कर दूंगा फिर तस्वीर ले लेना, इसको व्यू आउट कर देंगे फिर तस्वीर आ जाएगी। सर लेट सपोज आप अभी कंपनी बंद कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सर कितने है हमारे पास? 500 में से 100 गया, 500, 200, 700, 730, 737, 767, 760। अब देखना सर, 230 और 232, 532 बराबर हो रहा है सर। अब सुनना, अब सुनना, अहमद आ गया, अहमद फिक्स्चर फिटिंग लगा के गया था, ये आया दिलावर के पास, दिलावर भाई पैसे दे दो, दिलावर भाई पैसे दे दो, दिलावर भाई कितने पैसे? दिलावर को ये तो पता है कि 235 रुपए देने हैं मुझे मार्केट के, देखा आपको नहीं पता? पता नहीं यार, इतना पता है कि देने हैं 235, मतलब 35 रुपए दे दो, इतने ही अपने दे दो, 35 रुपए दे दो मेरे, इतने ही है, लेकर निकल जाएगा, लेकर निकल गया ये 35 रुपए। कौन लेकर निकल गया? अहमद 35 रुपए लिया लेके निकल गया। बैंक आ गया, बैंक ने कहा मेरे पैसे दे दो, और तेरे कितने हैं? और तुझे नहीं पता? उन्होंने कहा 200 लिखे हुए हैं, बोलता है मेरे ही है ये, दे दे 200 के दे दिए, बैंक को दे दिए। फिर सर हैबिट वाला आ गया, साथ गद्दा मुलायम है, सही नींद कंफर्टेबल है, बिल्कुल है, पैसे दे दो। तो कौन से पैसे? उन्होंने कहा कौन से पैसे? कहता यार आप उधार लेके गए थे ना उससे फर्नीचर। मगर नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। बोला हाँ याद तो आ रहा है मगर पैसे, हमने कहा मेरे पास तो 235 लिखे हुए थे, अहमद 35 लेके निकल गया, बैंक 200 लेके निकल गया। अब तो मैं तो सोचा मेरे पास कोई लाइबिलिटी है ही नहीं, कोई लाइबिलिटी है ही नहीं। बोला अच्छा सर ऐसा है तो एक काम करते हैं, आवाज रात को जमीन पे सोइएगा, बिस्तर उठाया वो निकल पड़े। तो सर मुझे लायबिलिटी को उसके नाम से रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि मुझे मार्केट में किस बंदे को कितने देने हैं, अगर मैं नहीं लिखूंगा तो कल को
मेरे पास अगर हिसाब नहीं होगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कोई भी बंदा आके कोई भी पैसे मुझसे डिमांड कर सकता है। सर ये चीज हमने देखी होंगी, कभी किसी कंपनी का दिवालिया निकलता है, क्या निकलता है, हर बंदा कहता है मेरे इतने थे मेरे इतने थे मेरे इतने थे, कहता है बैंक सबको दे देता है। कोर्ट क्या करता है, कहता है जिसका नाम लिखा होगा उसको मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। तो सर कंपनी को भी क्या करना होता है, लिखना पड़ता है। कंपनी को क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है कि किस बंदे से हमने कितना लायबिलिटी लिए, ऑब्लिगेशन टू पे लिए। अब सर इसको हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे, सर ये जो बैंक था ये क्या कहलाएगा, बैंक लोन। क्या कहलाएगा, बैंक लोन। सर 30 जो था फर्नीचर ये किसका था सर, हैबिट का। तो सर इसके लिए आपके पास दो वर्ड यूज होते हैं, क्या वर्ड यूज होते हैं, दो में से कोई भी एक यूज कर लेना, या तो अदर पेबल का वर्ड यूज होता है, क्या वर्ड यूज होता है, अदर पेबल, या इसका अच्छा वर्ड क्या है, पेबल फॉर फर्नीचर, क्या वर्ड यूज होता है, पेबल फॉर, किसके लिए भी हो उसके लिए। और सर यहां पर क्या हो जाएगा, पेबल फॉर फर्नीचर फिक्स्चर्स एंड फिटिंग्स। अब सर अहमद आएगा ना, अहमद को देखो, भाई अहमद किस बात के पैसे, बोला वो उस्ताद वो फिक्स्चर किए थे ना, पाइप पाइप जो डाले थे आपकी आपकी कंसील्ड वायर वगैरह जो डाली थी, बोला अच्छा उसके कंसील्ड वायर के तो फिक्स्चर फिटिंग देखे 5 रुपए। अब क्या हम करेंगे, उसको 5 रुपए देंगे, उससे पूछेंगे नहीं कितने, हम उसको बताएंगे भाई तेरे 5 रुपए लिखे हुए, कितने लिखे हुए 5 रुपए। अगर आपका लिखे हुए नहीं होंगे तो क्या करेगा, आपको चूना लगा देगा। डन हो गया सर। अब मुझे बताओ सर क्या ये फर्नीचर रोज खरीदा जा रहा होगा, क्या फिक्स्चर फिटिंग रोज खरीदी जा रही होंगी, क्या शॉप रोजमर्रा की जिंदगी का काम होगा खरीदना। सर ये कहलाती है वन ऑफ ट्रांजेक्शन, क्या कहलाती है, वन ऑफ ट्रांजेक्शन। सर कौन सी रूटीन ट्रांजेक्शन होंगी, दिलावर दवाखाना के लिए रूटीन ट्रांजेक्शन कौन सी होंगी जो डेली हो रही होंगी, दवाइयां खरीदना बेचना खरीदना बेचना खरीदना बेचना। सर शॉप एक दफा आ गई है, अब 3-4 साल तक सुकून है, फर्नीचर अभी एक दफा इंस्टॉल हो गया है, 3 साल तक दीमक वगैरह नहीं लगेगी, पड़ा रहेगा। सर फिक्स्चर एंड फिटिंग्स 4-5 साल तक क्या होंगे, दीवारों से पानी टपकना शुरू नहीं होगा, ना ही शॉर्ट सर्किट होगा कि दीवार काली पड़ जाए, ऐसा ही होगा सर, ऐसा ही होगा सर। मगर जो डेली मरा की ट्रांजेक्शन है वो कौन सी होंगी, गुड्स का खरीदना बेचना ट्रेडिंग होना, गुड्स की ट्रेडिंग होना, सेल एंड परचेज, सेल एंड परचेज, सेल एंड परचेज, यही होगा सर। जब भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के गुड्स, किसका, जब भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के गुड्स उधार पे खरीदे जाएंगे, किसमें खरीदे जाएंगे, उधार पे खरीदे जाएंगे, इसके लिए अकाउंटिंग ने आपको एक स्पेसिफिक वर्ड दिया है यूज करने के लिए, क्या दिया है, एक स्पेसिफिक वर्ड दिया है यूज करने के लिए। सपोज हमने 20 रुपए का माल लिया, कौन सा वर्ड है सर, क्या खिला रहा है, अपनी मर्जी से ले आ देसी, तो सुन सर अकाउंट्स पेबल सर कितने का, 20 का। अब एक बात बताओ ये सही किया मैंने, सर नाम लिख लो सर, 3 वर्ड्स हैं। जब भी आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कुछ उधार पे खरीदोगे आपको अकाउंट से कितने वर्ड्स दिए, 3, इन तीनों में से जो भी पसंद आए यूज कर लेना, यूज कर लेना। तेरा क्या नाम है, बचपन में क्या कहते थे, कोई कोई प्यार ही नहीं करता था तुझसे, कोई है जिसको कोई निकनेम है, एनीवन, अबे बुरी बात नहीं है यार, नहीं डर, अब तूने हाथ उठाया, बताया था ये नाम हम बता चुके, तो बोलो ना सर, अपना नाम अहमद, ये वाली हमने अलग नाम बताया इसके, अकाउंट सेवर को क्या नाम देता है, तेरा क्या नाम है अहमद, निकनेम सर चिकू, ये वाली फिर मैंने एग्जाम्पल फिर क्यों ली होगी, गुड्स के लिए वही वाली बात हो गई कि तुझे हम किसी भी नाम से बुला लें, रहेगा तू चीकू ही किसी का, किसी के लिए तू अहमद, मगर इन पर्सन तू है कौन,
अहमद है, ठीक है। इधर चीकू बुलाता कौन है? घर वाले, करंट फैमिली, प्रोस्पेक्टिव फैमिली। एक करंट होती है, प्रोस्पेक्टिव होती है, जो फ्यूचर में बनने वाली है। नहीं है वैसा सीन ही नहीं है, यूनिवर्सिटी जाओ यार। सर अकाउंट्स पेबल, या ट्रेड पेबल, ट्रेडिंग के लिए जो पेबल है, ट्रेड पेबल, या सर क्रेडिटर्स, ये तीन वर्ड्स हैं जिनके हिसाब से आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड, टू बी यूज्ड ओनली एंड ओनली चिकन चिली फ्राइड राइस, चिकन चिली फ्राइड राइस, बंबू हिंदी मुस्लिम से वो बैठी हुई है, सर ने खुद ही बोला, बड़ी बात है यार, अल्लाह वाला से बिरयानी को एक काम करो, वही जा रहा है सदा, वहां से चला जाएगा ना चार मिनार, वहां से वो पकड़ ले उसकी शिकारी कढ़ाई, सदा बात शिकारी कढ़ाई, शिकारी एक और शिकारी उससे पूछ ले, नहीं काफी वो तो लेकर आया, एक शिकारी कढ़ाई ले ले, दही ले ली और रोटी ले ली, शायद वो बताऊंगी अभी पूछ ले उससे, काफी तो ये मंगवा रहा है देख। सर टू बी यूज ओनली एंड ओनली व्हेन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस गुड्स आर बॉट ऑन क्रेडिट, या इसका क्या मतलब होता है उधार, क्या मतलब होता है उधार? सर ये वर्ड आप सिर्फ और सिर्फ तब यूज करोगे जब आपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कुछ खरीदे किस पे, उधार पे। सर इसको अकाउंट्स में या तो ऑन क्रेडिट कहते हैं या ऑन अकाउंट कहते हैं, ऑन क्रेडिट कहते हैं या ऑन अकाउंट कहते हैं, सर ऑन क्रेडिट और ऑन अकाउंट का क्या मतलब होता है? सेम उधार, आपसे सवाल आ जाएगा, ट्रांजेक्शन आ जाएगी, बॉट गुड्स फॉर ₹500 ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट, इसका क्या मतलब है? लायबिलिटी है, कैश होगा तो कैश, भाई पीएसओ का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? पेट्रोल बेचना, डीजल बेचना, लकी सीमेंट का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? स्टील बेचना, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? नाहिद का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? एफएमसीजी बेचना, व्हाट डू यू मीन एफएमसीजी? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तो उनके लिए वो क्या बन जाएंगी? गुड्स बन जाएंगी, डन हो जाएगा। टेक्सटाइल कंपनी के लिए क्या है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कपड़ा, तो कपड़ा क्या बन जाएंगे? गुड्स बन जाएंगे। फर्नीचर वाले के लिए फर्नीचर, डन हो गया, डन हो गया। यस सर, सर आफ्टर दैट सर, मगर याद रखना ये सिर्फ सिर्फ किसके लिए, क्यों सर इसको अलग क्यों किया गया ये हम बताएंगे, इसको अलग क्यों किया गया ये हम बताएंगे। सर मिसाल अब एक और गुड्स खरीदना, ये सही किया है मैंने जो लॉजिक दिए, सही किया है पक्का, तुम्हें क्लास को पढ़ाने मजा नहीं आएगा, तुम्हें क्लास को पढ़ाने मजा नहीं आएगा, अभी हरकत कराई थी फिर तुम भूल गए, तो सही कर रहा हूं, अभी भी सही कर रहा हूं,
क्या क्या गलत कर रहा हूं बता? नाम लिखे ना सर, कल को सारे सप्लाई आगे खड़े हो जाएंगे, हमें तो यह पता होगा कि गुड्स के अगेंस्ट 60 रुपए देने, इसके अगेंस्ट भाई एक टेबल है ना फिक्सचर फिटिंग्स के लिए, वो एक दफा एक ही बंदे से लेता 5 रुपए, वो जज करना मुश्किल, कहीं फर्नीचर भी एक जगह से आया होगा, हाँ हैबिट वाले का होगा उसके, इतने सर कितने सप्लायर से उधार होगा, हाँ अगर सिर्फ अकाउंट्स पेबल लिखता रहूंगा तो किसको कितने लेने पता चलेगा, इनकी तो तादाद बहुत होगी, कभी वो जीएसके कंपनी से कुछ खरीद रहा होगा, कभी ज़ाफा फाउंडेशन से खरीद रहा होगा, कभी सल कंपनी से खरीद रहा होगा, कभी शायद वो कौन है जो शानदार वगैरह किसका है यार, तर्शी वालों से कभी कोई प्रोडक्ट खरीद रहा होगा, कभी तुम्हारे वो जो बिलफिश है वो जो है कौन से है यार, हाँ एक बड़ा अच्छा वो ना देवता होम्योपैथिक जो है अभी जो मेडिकल स्टोर से ही मिलता है, हमदर्द के प्रोडक्ट्स, हमदर्द के सर, सर हमदर्द वालों का कुछ हिसाब किताब होगा तो सर बहुत सारी कंपनीज होंगी ना, नेस्ले वालों का होगा, सही लेग रखा हुआ होगा इसने, दूध वगैरह रखे हुए होंगे जो ड्राई मिल्क वगैरह होता है, तो सर अगर आपने ये नहीं लिखा कि किसको कितने देने हैं तो बाद में आपके पास हिसाब किताब नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा अकाउंट्स पेबल मिस्टर ए, मिस्टर जो भी बंदा हो, जो भी बंदा हो, डन हुआ, डन हुआ, बेचना शुरू करें ट्रेडिंग शुरू करें, हाँ सर ट्रेडिंग शुरू करता है, ट्रेडिंग शुरू अगर कर दी हाँ हो जाएगी 6 मिनट में, आओ 6 मिनट में बेचते सर, अलग करवा दूँ सर, ये बच्चे जा रहे हैं या कुछ खड़े हुए बातें कर रहे हैं, खड़े हुए तो इतना शोर कहां से आ रहा, हाँ बुलाना किसी भी बच्चे को बुलाना, चाय वाय मंगवा दूं, हाँ सीट पे बिठा के पिलाऊंगा, फिर सीट नीचे हो जाएगी तो आवाज और थोड़ी तेज आ जाएगी, फिर सर अकाउंट्स पेबल, अब सर बेचना शुरू करते हैं, क्या शुरू करते हैं बेचना, सर जब बेचोगे, अब मुझे एक बात बताना सर, एक ऐसी ही मिसाल ले रहा हूं आपसे सर, जाहिर सी बात है शायद ये 10 रुपए वाली चीज, 10 रुपए वाली चीज 12 रुपए में बेच रहा होगा, कितने बेच रहा होगा 10 रुपए वाली चीज, कितने बेच रहा होगा 12 रुपए में, एक बंदा उसको कैश देके जाएगा कितना, इसके पास कैश आ रहा होगा मगर गुड्स भी तो जा रहे हैं ना, गुड्स का कंट्रोल लूज हो रहा है, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये क्या कर देगा गुड्स को माइनस कर देगा, बाकी क्या हो जाएगा सर 2 रुपए का प्रॉफिट, ये 2 रुपए का प्रॉफिट किसका होगा सर, बिजनेस ओनर के लिए एग्जिस्ट कर रहा है तो नुकसान भी ओनर को दिया जाता है, प्रॉफिट भी ओनर को दिया जाता है, तो समय यहाँ पे आके लिख दूंगा क्या प्लस टू, क्या लिख दूंगा प्लस टू, मैं इस तरह प्रॉफिट लॉस लिख रहा हूँ, और मुझे एक बात बताना सर, ईयर वन में लेट सपोज हमने 100 यूनिट्स बेचे, कितने यूनिट्स बेचे, वो हमने खरीदे थे, हमने बेचे 12 रुपए, कितने के कितना आया 1200, और सर उसकी जो कॉस्ट थी वो थी लेट सपोज 10 रुपए की, कितने की थी, कितना आया ये एग्जांपल दिए पहले नहीं, 200 का प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ, कितना रिपोर्ट हुआ प्रॉफिट 200 का प्रॉफिट आपने ईयर वन में रिपोर्ट किया, और आप यही कह रहे हो सर डायरेक्ट वहां पे जाके प्रॉफिट लिख दो, आप कह रहे हो सर यहाँ पे 1200 लिख दो, यहाँ पे 1000 लिख दो, 200 का प्रॉफिट रिपोर्ट कर दो, ये एक साल हुआ, क्या हुआ अगले साल ईयर टू में, लेट सपोज सर हमने इकोनॉमिक्स तो पढ़ रहे हो ना थोड़ी बहुत, नहीं भी पढ़ रहे, एक चीज अगर मार्केट में सस्ती हो जाती है तो क्या हो जाता है, डिमांड बढ़ जाती है, ये सब वो एसेसिबल टू ऑल हो जाती है, कुछ ऐसा तबका भी था उसको एसेस नहीं कर पाता था, अब उसके लिए भी वो अवेलेबल हो जाती है, सो लेट सपोज आपने बेचे हैं 120 यूनिट्स, कितने यूनिट्स 11 रुपए में, कितने में, कितना आएगा
कितना 1300 सर, 120 को हम 10 रुपए की कॉस्ट तो वही रही ना हमारी 1200 की, सर प्रॉफिट कितना रिपोर्ट कर दूंगा, सर प्रॉफिट में कमी आ गई, ओनर देख के टेंशन में आ गया, 200 का प्रॉफिट कमा रहा था, अब 120 का बिजनेस बंद होने वाला है, दिलावर दवाखाना बंद होने वाला है, बिल्कुल प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, अगले साल और कम होगा, फिर अगले साल और कम होगा, सर इस प्रॉफिट को ओनर को इस प्रॉफिट की जरूरत है, क्यों, ओनर इस प्रॉफिट से कंपनी की परफॉर्मेंस देख रहा है कि इसका मेडिकल स्टोर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दूसरा इस प्रॉफिट को कौन देख रहा है, दूसरा प्रॉफिट को कौन देख रहा है, गवर्नमेंट, कौन देख रहा है, गवर्नमेंट, क्यों, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, तीसरा और भी बहुत लोग हैं, एम्प्लॉय की बात कर, किसी बात कर लें, एम्प्लॉय प्रॉफिट को देखते हैं, क्यों, हाँ नो, कंपनी लॉसिंग लेना शुरू होती है ईयर बाय ईयर, अब अपना प्रॉफिट उसका कम होता जा रहा है, सो कुछ ही सालों में क्या होगा, लॉस में आ जाएगी, जब लॉस में आ जाएगी तो कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी बंद होगी तो इनके लाले लग जाएंगे, तो क्या करेंगे, अभी से दूसरी जॉब सर्च करना शुरू कर देंगे, एम्प्लॉयज का टर्नओवर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, टर्नओवर का मतलब जाना आना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ऊपर से सर वो तो बाद में देखेंगे, पहले से सर आपका मसला आ गया, मुझे एक बात बताओ, क्या कंपनी बुरा परफॉर्म कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, बुरा परफॉर्म कर रही है, यही सुनना चाह रहा था तो मुंशियों से, दिमाग है नहीं ना बिजनेस, सर 100 से 120 यूनिट बेच रही है, अब पहले साल कंपनी की प्रोडक्ट की डिमांड कितनी थी, पूरे साल 100 यूनिट बिके थे, अब कितने बिके हैं, मतलब लोगों में अवेयरनेस हमारी कंपनी की आना शुरू हो गई, हाँ मिसाल के तौर पर सर आपके इलाके में अगर एक राजपूत शॉप वाला है, एक बता ना मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है, पता है मार्केट कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, पता है आपके इलाके में लेट्स सपोज 500 घर है, कितने घर है, 500 घर, 500 घर में रोज 1 लीटर दूध की जरूरत होगी, तो 500 लीटर की जरूरत है, कितनी जरूरत है 500 लीटर की, अगर 300 लीटर दूध नागौर अपना राजपूत की शॉप से जाता है, किसी शॉप से जाता है, राजपूत मिल्क शॉप वाले की जाता है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि राजपूत वाले ने तुम्हारे इलाके का 60% शेयर कैप्चर करके रखा है, अगले साल लेट्स सपोज तुम लोग दूसरे तुम लोग थे, तुम लोग 50 घर को देते थे, कितने घर को देते थे, 50 घर, क्या मैं कह सकता हूँ कि 500 में से अगर 50 घर तुम्हारी शॉप दे रही है तो तुमने मार्केट का 10% कैप्चर करके रखा हुआ है, अगले साल अब लेट्स सपोज यहाँ पे तुम 100 कर रहे थे, कितने स्वीप कितने थे 100, तो तुमने 20% क्या हुआ, कितना क्या हुआ था 20%, और तुमने कोई जो प्रॉफिट था तुम्हारा वो 200 था, तुमने कंपटीशन बढ़ाने के लिए अपनी प्राइस कम करी, तुम्हारा 120 लीटर दूध बिका है, कितना बिका है, अब तुम्हारा मार्केट का शेयर कितना हो गया, 120 बढ़ा 500 करो, 500 मैंने ऐसी इमेजिनरी फिगर दी ना, 120 बढ़ा 500 करो कितना आया, 24% सर, तुम्हारा 4% का मार्केट शेयर बढ़ चुका है, तुम्हें तो अच्छी चीज की है ना, तो सर अगर सिर्फ और सिर्फ तुम प्रॉफिट रिपोर्ट करते रहोगे, क्या यूजर को सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अगर तुमने सारी की सारी क्या की सिर्फ प्रॉफिट रिपोर्ट करते रहे, क्या यूजर को सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जबकि देखो सर इनकम बढ़ी है, इनकम भी 1200 से 1320 हुई है, इनकम क्या हुई है 1200 से 1320 हुई है सर, एक्सपेंस भी बढ़ा है मगर प्रॉफिट क्या हुआ है, कम हुआ है, तो सर अकाउंटिंग के अंदर याद रखना हम प्रॉफिट नेट पे रिकॉर्ड नहीं करते, नेट पे रिकॉर्ड नहीं करते हम, इसको ग्रॉस पे रिकॉर्ड करते हैं, किस पे रिकॉर्ड करते हैं, ग्रॉस, मतलब मैं डायरेक्ट यहाँ पे 200 रुपए नहीं दिखा सकता, मना है, ये होता है नेट, क्या होता है कि आपने नेट जो प्रॉफिट था वो किसको दे दिया, ओनर्स को दे दिया, नहीं दिखाओगे क्या कि इनकम कितनी है और एक्सपेंस कितना है, सर ये जो तुम्हें 1200 मिले ये तुम्हारी बेसिकली आमदनी है ना, हाँ ये बेसिकली तुम्हारी क्या है,
आमदनी कितने की 1200। अगर इस आमदनी को कमाने के लिए तुमने खर्चा भी किया, जब तुमने सारी की सारी आमदनी ओनर्स को दे दी जिसकी वजह से उसका सरमाया बढ़ गया, तो खर्चा भी उसी को दोगे। जब खर्चा उसको ट्रांसफर करोगे तो उसका सरमाया क्या होगा, कम हो जाएगा। तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सपेंस कितना आ जाएगा, एक्सपेंस से सरमाया माइनस हुआ। बात वही आई 200 रुपए वाली, बात वही आई, मगर प्रेजेंटेशन का स्टाइल चेंज हो गया। कल को जब कंपेयर कर रहे होगे तो तुम 200-120 को कंपेयर नहीं करोगे, किसको कंपेयर करोगे, किसको कंपेयर करोगे, इनकम एंड एक्सपेंसेस को। लॉजिक बनी पक्का? इसको बाकी कंटिन्यू करेंगे कब, कल। हाँ लॉजिक समझ नहीं है, तू 200 लिख रहा था, ये इतनी सारी जब कहानियां की थी, तू कह रहा था नुकसान हो रहा है, हालांकि नुकसान हो रहा है क्या तुझे, तो हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग बिजनेस की हो रही है ना, तो बिजनेस अभी भी अच्छा ही कर रहा है ना। सर डायरेक्ट 200-120 लिखूं तो बंदा कहेगा बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, जबकि बिजनेस वाकई क्या कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बिजनेस का मार्केट शेयर क्या हो रहा है, बड़ा है, वो बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस साल 1200 की इनकम, अगले साल 1320 की इनकम दिखाएगा, क्या दिखाएगा, तो बंदा कहेगा कंपनी की इनकम बढ़ी है, क्या बढ़ी है, तो कंपनी अच्छा काम कर रही है। अगर सिर्फ प्रॉफिट होगा तो तू कंपेयर नहीं कर रहा, प्रॉफिट देखेगा तो तू नुकसान कर रहा है, 200-120 पे आ रहा है, 40% लूज कर रहा है, 80 रुपए तो नीचे आ गया, मगर देखा जाए तो 80 रुपए नीचे, 40% नीचे नहीं आया, 24% तेरा मार्केट शेयर क्या हुआ है, बढ़ गया। तेरी प्रोडक्ट अब क्या हो रही है, मैच्योर हो रही है, मार्केट में तेरी प्रोडक्ट को यूज करना शुरू हो गए। क्या कर दू, क्या ऊपर कर दू, थोड़ा और करना पड़ेगा, बोल्ड कर दो उसे, ऐसा ही है, पिक्चर आ रही है सही, बोल्ड तो नहीं करना ना, अब सही है, डन है। सर पीडीएफ यार भिजवा दूंगा, नसीर अगर जब भी फर्म से आएगा ना तो उसको कहूंगा उसको कम से कम भेज, क्या चीज, नसीर शाह एक वो है ना असिस्टेंट, अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज भाई। अब समझ आ गया तुम्हें, लास्ट क्लास में तुम्हें इशू हो रहा था, आज समझ आ गया, कंपनी के असासे जो होंगे किसके होंगे, या तो मार्केट के होंगे या बाद में किसको दे दिए जाएंगे, ओनर्स को। कब तक बिजनेस के कंट्रोल में, कब तक है, जब तक बिजनेस एग्जिस्टेंस में, जिस दिन बिजनेस बंद हुआ ये सारे के सारे क्या होंगे, पहले लायबिलिटी पे ऑफ होगी फिर ओनर्स को। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।